कोरोना की वजह से जो स्कूल्स में प्रॉब्लम्स आई है उसका सल्यूशन है गूगल फॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट टीम। हम गूगल फॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट टीम फॉर्म पर बच्चों के लिए क्वेश्चन और पेपर ले सकते हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि गूगल फॉर्म पर आप बच्चों के लिए कैसे पेपर बना सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास गूगल की ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास गूगल मेल की आईडी नहीं है तो आप सबसे पहले गूगल में एक अकाउंट बना लें। फिर किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें, वो चाहे क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो या ओपेरा हो या सफारी हो, किसी को भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया। गूगल क्रोम को जब हम ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर उसका सर्च बार दिखेगा। सर्च बार में हम गूगल क्लासरूम टाइप करें। हमने गूगल क्लासरूम टाइप किया तो और उस पर क्लिक कर दिया तो हमें आप देख सकते हैं गूगल क्लासरूम का एप्स मिल गया, ठीक है ना। और हमने इनमें से किसी भी गूगल क्लासरूम पर जाकर उसको क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं जब मैंने गूगल क्लासरूम को क्लिक किया तो गूगल क्लासरूम खुल गया, ठीक है ना। और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। गूगल क्लासरूम पर जाकर मैंने इस पर, ये मेरी क्लास पहले से बनी हुई है तो मैंने इस पॉजिटिव साइन पर जाकर क्लिक किया। जब मैंने इस पॉजिटिव साइन पर जाकर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पॉजिटिव साइन पर जाकर क्लिक किया, ठीक है ना। जब इस पॉजिटिव साइन पर जाकर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ज्वाइन आ गया है और एक क्रिएट क्लास, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपको क्रिएट क्लास करना पड़ेगा। क्रिएट क्लास में जाकर मैंने उनके टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और कंटिन्यू बटन दबा दिया। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद में जैसे मुझे 12th क्लास क्रिएट करनी है तो मैंने क्लास दे दी 12th क्लास मैथ्स या बायो जो भी है। सेक्शन आपके स्कूल में अगर सी है तो सी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट भर दिया इसके अंदर। आप रूम, आपका कोई रूम नंबर हो तो 15 नंबर रूम भी भर दिया और आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट क्लास कर दिया। तो थोड़ी देर में ही आप देखोगे नेट की स्पीड स्लो है, इसलिए क्रिएट क्लास जल्दी से नहीं हो रही है, नहीं तो अब तक क्रिएट क्लास बन जाती। तो हम वेट करते हैं क्रिएट क्लास होने के लिए। तो आप देखेंगे क्रिएट क्लास हो गई, ठीक है ना। हमने क्लास क्रिएट कर ली है और अब स्टूडेंट को इनवाइट कैसे करना, ठीक है ना। तो अगर आपको अपने स्टूडेंट को इनवाइट करना है तो आप स्टूडेंट को या तो ईमेल से कर सकते हैं, पर आपके पास ईमेल होंगी नहीं। आपके पास ईमेल नहीं होंगी तो आप देख सकते हैं, आप इस जगह से, ये गूगल क्लासरूम कोड है, इस कोड को बच्चों को भेज, ठीक है ना। तो बच्चे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर। अब आई कि हम पेपर कैसे बनाए, तो हमारे सामने क्लास वर्क दिख रहा है। हमने क्लास वर्क पे क्लिक किया, क्लास वर्क पे क्लिक किया तो अब हमें देखो क्रिएट दिख रहा हो, ठीक है ना। तो हमने क्रिएट कर दिया और क्रिएट में हमें दिखा कि इसमें असाइनमेंट है, क्विज असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, जो भी आपको बनाना है। जैसे मुझे क्विज असाइनमेंट बनाना है, ठीक है ना, तो मैंने क्विज असाइनमेंट पर क्लिक कर दिया और मैंने इसका नाम बदल कर, जैसे मैं 12th क्लास में केमिस्ट्री के चैप्टर में सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मैंने सॉल्यूशन टाइप कर दिया। कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो यहाँ लिख देंगे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, या जो पेपर्स में हम लिखते हैं कि केयरफुली रीड करें, पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। और हमने हमने क्या किया, इस पर ब्लैंक क्विज पर क्लिक कर। अब ब्लैंक क्विज आपके सामने देखेंगे खुल गई। ब्लैंक क्विज को हमने नाम दिया सॉल्यूशन, ब्लैंक क्विज को हमने नाम दिया सॉल्यूशन।
या जो भी है। अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप इस ऐप्स को मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद सेम प्रोसीजर है, वहाँ भी आपको क्रिएट क्लास करनी पड़ेगी। अगर आपको हिंदी टाइप करना नहीं आता तो फिर हिंदी भाषी वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर उसका सलूशन ये है कि आप गूगल इंडेक्स कीबोर्ड डाउनलोड कर ले मोबाइल। उसमें जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे आज कहाँ जाऊंगी, इसको अंग्रेजी में लिखने पर वो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे। अब हमने देखा अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे क्लिक किया, तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसको शॉर्ट आंसर कर दें। शॉर्ट आंसर कर यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम क्या है। तो हमने इसमें भर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, इससे बच्चा इसमें नाम भर देगा। पर इसको लिखने के बाद इसको रिक्वायर्ड को जरूर ऑन कर दे। रिक्वायर्ड को ऑन करने से क्या होगा कि जब तक बच्चा अपना नाम नहीं भरेगा ये सीट सबमिट नहीं होगी, ये सीट सबमिट नहीं हो सकती। तो जैसे ही वो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट की जगह पर अपना नाम लिखेगा तब ही एंड में कुछ भी कर ले, इसके बिना सीट नहीं होगी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, तो हम इस प्लस साइन पे साइन करें। हमने इस प्लस को कर लिया और ये मल्टीपल चॉइस आ गया। अगर आपको छोटा क्वेश्चन बनाना है तो आप शॉर्ट में चला जाइए, शॉर्ट कर दीजिए। अगर आपको पैराग्राफ बनाना है तो आप पैराग्राफ में जाकर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको मल्टीपल चॉइस बनाना है तो मल्टीपल चॉइस कर, ठीक है ना। इस बीच में आप देख सकते हैं सेटिंग में जाकर कि ये क्विज है कि नहीं, ठीक है ना। और इसको लिमिट टू वन रेस्पॉन्स कर दीजिए। लिमिट टू वन रेस्पॉन्स करने का क्या फायदा है कि बच्चा एक ही बार इस फॉर्म को यूज कर सकता है, बार बार वो आंसर बदल कर नहीं कर सकता और इसको सेव कर, ठीक है ना, और इसको क्विज में कन्वर्ट कर। तो ये ऑलरेडी क्विज थी, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं और सेव कर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय, इसको आप हिंदी में भी गूगल इंडेक्स कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय, और अब मैं यहाँ पर चॉइस लिखूँ, ठीक है ना। तो मैंने पहले चॉइस में लिखा मिथेनॉल एंड वाटर। अगर आप फिजिक्स और मैथ्स के हैं तो आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं लेता है। दूसरा चॉइस है हमारा हेप्टेन एंड ऑक्टेन। फिर हमने तीसरी चॉइस डाली, तीसरी चॉइस में हमने लिख दिया एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। और फिर हमने फोर्थ चॉइस पे लिखी, फोर्थ चॉइस में हमने क्या लिखा, हमने लिखा कार्बन CCl4 एंड एथेनॉल। ये हमने इसकी चार चॉइस फिलअप कर ली। अब हमें इसमें से लगता है कि इसका आंसर फर्स्ट है या सेकेंड है, तो फिर आंसर कैसे करेंगे। इससे क्या है कि आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, खुद ही चेक हो जाएगा। तो हमने आंसर की में गए और हेप्टेन और ऑक्टेन को आंसर मार्क कर दिया और डन। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इस क्वेश्चन को करे ही करे, मतलब बिना इसका आंसर टिक करे आगे नहीं जा सकता या उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो आप इसको रिक्वायर्ड कर दें। अब बच्चे को ये सबमिट करने से पहले करना ही पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इसको बंद कर। पर नाम वाले को स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट को आप जरूर रिक्वायर्ड करें, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि बच्चा कौन सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे ऐड करेंगे, उसका एक तरीका है कि हम इसको डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट कर लेंगे तो सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना।
अब हमने आइडियल सॉल्यूशन की जगह पर लिख दिया मोलैरिटी, ठीक है ना, या विच कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कौन सा कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और हमने इसकी चॉइस भी बदल, पहले में मोलैरिटी डाल दिया, दूसरे में मोलैलिटी डाल दिया, तीसरे में मोल फ्रैक्शन डाल दिया, और फोर्थ में हमने मास परसेंटेज डाल, ठीक है ना। अब आंसर पहले हमने 2 मार्क किया था, तो अब हम वापस आंसर की में जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर फर्स्ट है, तो फर्स्ट मोलैरिटी को क्लिक करके इसको हटा दे, और ये डन, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन तैयार हो। अब अगर क्लास आप गूगल क्लासरूम के थ्रू बनाते हैं और बच्चों ने गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर रखा है, तो आपको कहीं भी किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को खुद ही उनके गूगल क्लासरूम पे ये मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चों ने गूगल क्लासरूम नहीं दे रखा है, तो आप इसको सेंड पर जाएं, सेंड पर जाकर एक ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। दूसरा तरीका ये लिंक है, लिंक के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है ना। लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ आएगा, आप चाहें तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट लिंक कर सकते हैं और कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके हमें सपोज कर लो व्हाट्सएप पर भेजना है, तो हम इस लिंक को जाएंगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप, अगर आपका मोबाइल इसमें खुला हुआ है तो इसमें खोल लेंगे, और नहीं खुला हुआ है तो हम इसको तो ये व्हाट्सएप खुल रहा है, कुछ खुल गया। अब मुझे संदीप को भेजना है, तो मैं गया और मैं वहाँ पर जाकर इसको क्लिक कर दूंगा, तो देखते हैं, मैंने गया यहाँ पर, वो मैसेज को क्लिक कर दिया, ये पेपर संदीप के पास पहुँच चुका, ठीक है ना। अब संदीप जी इसको पेपर को देंगे, तो संदीप जी ने क्या किया, यहाँ से इसको क्लिक किया, तो वो उसको ऐसा देखेगा। सबसे पहले मैंने इस पे नाम लिख दिया, ठीक है ना, मैं इसमें नंबर देना भूल गया, ठीक है ना, तो मैं इसको मुझे वापस जाना पड़ेगा पिछले ब्लैंक फॉर्म, और ब्लैंक फॉर्म पर जाकर मैं इन क्वेश्चंस के मार्क्स दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आंसर की में वापस से क्लिक किया और इसको 4 मार्क्स फिलअप कर दिया, डन। फिर दूसरे क्वेश्चन पे गया और मैंने उसके भी मार्क्स को 4 कर दिया, और अब ये वापस आपको वहाँ दूसरा भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप अपडेट हो गया, ठीक है ना। अब मैं वापस गया और मैंने इसको फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, तो देखो मैंने गया और यहाँ पर ये अपने आप आ गया। अब आपको कोई, आप कुछ भी अपडेट करोगे तो दूसरे फॉर्म जो भेज चुके हैं उनमें भी अपने आप चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ इस पर अपना नाम लिख दिया, अगर मैं ये नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, तो ये फॉर्म क्लिक नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा और सेकेंड को मार्क कर, फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन को पढ़ा और उसको भी मार्क कर दिया, ठीक है ना। मेरा पेपर पूरा हो गया और मैंने ये सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही मैं अपना स्कोर देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा स्कोर 8/8 आ गया, और ये गूगल क्लासरूम में भी दिखेगा, ठीक है ना। अब मैं गूगल क्लासरूम पे गया, मैंने एक क्विज बनाई थी, ठीक है ना, तो मैं वापस जाता हूँ और देखता हूँ कि मैंने क्या क्विज बनाई थी, तो मैंने ये क्विज बनाई थी, ठीक है ना, और उस क्विज पे जाकर मैंने देखा स्कोर,
जितने भी बच्चे होंगे उन सबका स्कोर आपको देखने लगे।